कहते हैं कि अगर ख्वाब देखो तो जरूर सच होते हैं, बस देखने वाले में जुनून होना चाहिए। ये वीडियो एक ऐसे ख्वाब के बारे में है जो मैंने देखा जरूर था, लेकिन हमेशा किस्सों, कहानियों और फिल्मों में ही पूरे होते देखा था। लेकिन अब मैं उस ख्वाब को जीने जा रही हूँ, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार थोड़ी सी शर्म आ रही है, तुम कॉम्पनसेट कर लेना, ठीक है? हाँ, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 अराउंड, और हम जा रहे हैं ऑफिस। और बहुत ही स्ट्रेंज बात है, इतनी सुबह सुबह कौन ऑफिस जाता है, लेकिन हम बहुत खुशी से जा रहे हैं, और उसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों। तो आप कुछ कहना चाहेंगे विशाली? आप फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं। अभी तो मैं पहले चलना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। ओके, दैट्स नाइस। चलने की आदत है। और पूजा, आप? I just want to say कि we are very excited for today and for tomorrow also and day after tomorrow also. Yeah, so we are very excited. Let's see कि क्या क्या होता है, और आप लोग देखते रहिए। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, वैसे वैसे बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही थी, और उस बेचैनी में उटपटांग सवाल पूछना तो जायज़ है, तो वही मैं भी कर रही थी। And are you excited? Yeah, extremely fantastic. Sir, are you excited? लेकिन उस क्यूरियस से बच्चे के हर इम्पेशेंट सवाल का इतनी पेशेंस से जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरी एक्साइटमेंट से कई गुना बढ़कर एक्साइटमेंट शो करना, मेरे इम्पेशेंस को पेशेंस में कन्वर्ट करना, ये सब इन्हीं से तो मैंने सीखा है। और कहते हैं कि सफर का असली मजा तो सफर साथ करने वालों से होता है, और जब इतने प्यारे सफर साथ करने वाले हों तो मजा भला कैसे ना आए। और वो सफर भी भला कैसा सफर जिस सफर की यादें आप अपने साथ ना ले जा सके, चाहे वो तस्वीरों में समेटी हुई यादें हों या आपके दिमाग में, बस यादें हमेशा साथ रहनी चाहिए। और यूं ही चलते चलते, हंसते मुस्कुराते, मजे करते हुए हम आखिरकार पहुंच ही गए उस मंजिल पर जिसके लिए हम सुबह से निकले थे। लेकिन हम कहां रुकने वाले थे? वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू है, अभी तो हम सफर करके पहुंचे थे, और अभी तो बस से उतरे भी नहीं थे, हमने पहले ही स्पीकर्स में नाचना शुरू कर दिया था, और अपने रूम तक हम लिटरली नाचते हुए गए हैं। और अब तक आपने पता लगा ही लिया, हमारी मंजिल थी बागान ऑर्किड रिट्रीट, और वहाँ पहुँचते ही बहुत ही प्यार से हमारा स्वागत किया गया तिलक और वेलकम ड्रिंक के साथ। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। यहाँ हम आए हैं कंपनी की तरफ से एक एनुअल ट्रिप पर, क्योंकि हमारी कंपनी को हुए हैं पूरे 6 साल, 6 ग्लोरियस ईयर्स। Guys, we have just reached our cottage, और मैं आपको दिखाती हूँ इसके आसपास की, आसपास का एरिया कितना ज़्यादा सुंदर है। मतलब लिटरली ऐसे दिल खुश हो गया, जो 2-3 घंटे का सफ़र था, लिटरली ऐसे फील हो रहा है कि सारी थकान एक मिनट में चली गई है। लेट मी जस्ट शो यू, सी दिस इज़ आवर कॉटेज, और इसके आसपास का एरिया देखो। कितना सुंदर है ना, मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। हाय स्नेहा। हाय। एंड दिस इज मी। हमारा वॉशरूम, जो भी फैंसी वर्ड्स होते हैं इसके लिए, वो सब। बाकी सब ठीक है यार, बट मिरर इज सो प्रिटी। हम कहाँ हैं? इट इज़ अ बागान। ये एक मैंगो ऑर्किड है, और नोएडा के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, और हमारी लोकेशन से अराउंड 2 घंटे का रास्ता था।
एक्चुअली हम 9 बजे के अराउंड चले थे, लेकिन अब बज गए हैं 12:30 अराउंड. तो बीच में क्योंकि हमने बहुत स्टॉप्स लिए इस रीज़न की वजह से शायद, वरना इतना डिस्टेंस था नहीं, 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस था. और जर्नी थोड़ी थकान भरी रही क्योंकि हम लोग बहुत नाश्ते गाते आए हैं, बहुत ज़्यादा नाश्ते गाते, लेकिन अभी बहुत 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 ज़्यादा सूदिंग है. लिटरली ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे मतलब गर्मी है, हम दिल्ली में या नोएडा में है अभी, बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही है. विदाउट फैन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है. और अब इसके बाद हमें जाना है लंच के लिए, और उसके बाद है पूल पार्टी. तो वो आप देखते रहिए कि कैसी रहती है. और ठीक है, मिलते हैं फिर इसके बाद. तब तक के लिए बाय बाय. एंड आई एम स्टेइंग विद माय टीम लीडर मॉली मैम. या हम सच में काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन इन वादियों की खूबसूरती ने वापस से हमारे दिल को तरोताज़ा कर दिया. कुछ देर रुक कर आराम कर कर हम वापस खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुँचे. लंच के बाद हमारे पास बहुत टाइम था कैली करने के लिए, सो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी टीम के पास जाएंगे तो जस्ट हैव अ क्विक चिट चैट सेशन. So after the chit-chat session, we got ready and went to the pool party. And this is my look. Very, very casual. Oh, very beautiful. Very sweet. और अब हम जाने वाले हैं पूल पे, हम करेंगे enjoy. और आप भी कीजिए enjoy हमारे साथ. Stay tuned. Yeah. I have got like the best managers in the world, the best team in the world, जो कि मेरे को इतना support कर रहे हैं. So just to give you a gist that I'm super super scared of water. तो पूल पार्टी से मैं एक्साइटेड तो थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट म्यूजिक और स्नैक्स थे. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं पानी पे जाऊंगी, हेंस द आउटफिट आई एम वेयरिंग, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी पूल पार्टी के लिए. और जैसे कि अभी आपने देखा, मैं पानी में जाते ही लिटरली डूब गई थी, और 2 सेकेंड के लिए मुझे बिल्कुल सांस नहीं आई थी. लेकिन उसके बाद आई गॉट सो कम्फर्टेबल कि मेरा लिटरली पानी से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था. आउट ऑफ पूल आफ्टर लाइक 2 आवर्स और लोग अभी तक हैं पूल के अंदर. लेट मी जस्ट शो यू. देखो मेरा गला बिल्कुल जा चुका है, बिल्कुल ताकत नहीं है मेरे अंदर पूलने की. बट बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हम पूल से तो वापस आ गए, लेकिन अभी हमें हमारा रूम नहीं मिल रहा है. हमें हमारा रूम नहीं मिल रहा है और हम शायद थोड़ा सा खो चुके हैं. ओके, हाँ पहुँच गए हम अपने रूम पर. ओके, सो वी जस्ट गॉट चेंज्ड और अभी हो रहे हैं 7:30 एंड आई थिंक डिनर की टाइमिंग है 9 बजे. तो हम तब तक वेट करेंगे, तब तक अपने फ़ोन चलाएंगे या टीवी देखेंगे, जैसा भी ठीक लगेगा, या चिट चैट करेंगे, जो भी सही है. और मिलते हैं आप डिनर पर 9 बजे. ओके,
इज अ यूट्यूबर गाइस प्लीज फॉलो गरिमा गोस्वामी ओह हाय सॉरी सॉरी हाय आपसे कभी मेरी वो नहीं हुई फेस टू फेस हाँ इंटरेक्शन ठीक है ओके सो अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टाइम दिस इज श्वेता मैम श्वेता मैम ने मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट किया था और इन्होंने ही मुझे आगे बाकी की टीम में रेकमेंड करा था जहाँ मेरे फर्दर इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट हुए थे सो श्वेता मैम इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो दैट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर लव फॉर योर काइंडनेस फॉर योर हेल्प एंड फॉर योर सपोर्ट So we had our dinner and now we are going to watch a movie. तो अभी अभी मैं पता चला है कि जो वो मूवी दिखा रहे थे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इज कंजरिंग का लास्ट पार्ट सो अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में टू स्लीप स्नेहा इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्लीप हम उसको ज़बरदस्ती ड्रैग करके लेकर आए थे मूवी के लिए Now Garima is signing off. Yeah, and so tomorrow morning definitely we will be meeting. No, I'll be right signing away. Off when I'll reach my room. I can't do nothing better.